Please subscribe my channel Aqua Infotech and press the bell icon to be a first viewer. Namaskar, NFDB National Fisheries Development Board Recirculatory Aquaculture System के ऊपर अभी सब्सिडी दे रहा है, तो वो सब्सिडी अमाउंट कितना है, क्या कहाँ पर अप्लाई करना होगा और क्या एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सब कुछ जानने के लिए वीडियो पूरा तक देखिए। पहले एनएफडीबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला जो ऑब्जेक्टिव है, स्मॉल स्केल फार्मर को इनकरेज करना और मोटिवेट करना ये फिश कल्चर करने के लिए। सेकेंड थिंग्स क्या है? टू एनहांस द फिश प्रोडक्शन। तो रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर में फिश प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। एंड थर्ड थिंग्स इज प्रोमोट इनकम जेनरेशन, या रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर में प्रॉफिट भी ज्यादा है। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सेट अप एंड रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम यूनिट? आपको सिर्फ 100 स्क्वायर मीटर लैंड चाहिए, 100 स्क्वायर मीटर लैंड और वाटर और सीड फीड सब आपको मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी पार्टनर, ये एनएफडीबी के साथ नेशनल सेंटर फॉर एक्वाटिक एनिमल हेल्थ जो NCAAH और कोचिन यूनिवर्सिटी एंड साइंस टेक्नोलॉजी एक साथ काम कर रहा है, कोई फार्मर को मोटिवेट करना, ट्रेनिंग करना और कुछ सप्लाई के लिए सब कुछ ही कर रहे हैं। विल कंस्ट्रक्ट एंड इंस्टॉल द सिस्टम। नेशनल सेंटर फॉर एक्वाटिक एनिमल हेल्थ ये NCAAH फार्मर को असिस्ट कर रहा है और कुछ भी मटेरियल, ऑल टाइप ऑफ मटेरियल लाइक वाटर टेस्टिंग स्किट्स और पाम केजेस इरेटर सब कुछ यही कर रहा है। व्हाट फिश टू कल्चर? रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में सुइटेबल मोस्ट सुइटेबल स्पीशीज मोनोसिस तिलापिया एंड पांगासियास। हाउ मच इज द प्रोजेक्ट कॉस्ट? ये मेन चीज है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना होता है। तो सेटिंग अप जो कैपिटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट आपका होगा जो टैंक्स कंस्ट्रक्शन के लिए 1 लाख और प्रोक्योरमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पाम फिल्टर केजेस एरेटर वाटर टेस्टिंग किट के लिए 4.6 लाख। टोटल अप कैपिटल कॉस्ट 5.6 लाख। इनपुट कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट जो आपका सीट ₹27,000 एंड फीट ₹72,000, ट्रांसपोर्टेशन ₹6,000, प्रोबायोटिक्स ₹15,000, इलेक्ट्रिक 8,000 एंड अदर सर्विसेज मिसलेनियस 12,000 और टोटल 1.4 लाख। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? कैपिटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट और सेटिंग करने के लिए आपका जो कॉस्ट हो रहा है 5.6 लाख और इनपुट रनिंग कॉस्ट और हर साल के लिए कॉस्ट जो होता है 1.4 लाख। सो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 7 लाख। हाउ मच सब्सिडी एनएफडीबी विल प्रोवाइड? कितना सब्सिडी एनएफडीबी देगा इसके लिए? फॉर जेनरल स्टेट्स, फॉर जेनरल स्टेट्स के लिए 1.68 लाख जेनरल कैटेगरी एंड 2.52 लाख एसटीएससी एंड वुमेन के लिए। फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट के लिए 2.5 लाख फॉर जेनरल कैटेगरी एंड 3.78 लाख एससी एसटी एंड वुमेन के लिए। होम टू
कॉन्टैक्ट इसको कॉन्टैक्ट करना होगा। इसके लिए द प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट जो PMU इसका ईमेल एड्रेस है isbsing@gmail.com एंड मोबाइल नंबर 7091625448 एंड एक्वा वन सेंटर के लिए इसका मोबाइल नंबर 9550333334 एंड नेशनल फिशरी डेवलपमेंट के लिए एवी टोल फ्री नंबर है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कल्चर पीरियड 5 to 6 months होता है। स्टॉकिंग ₹1,500 per kg। हार्वेस्टेड साइज 450 ग्राम। एक्सपेक्टेड सर्वाइवल 80%। Harvest 16,000 kg per unit per cycle. Crops per year 2. Market sale price कितना होगा? 110 से 150 तक होगा। Approx 130 per kg. Gross income कितना हो रहा है per year में? 4.7 lakh. Gross profit per year में rupees 1.37 lakh. प्रॉफिट अर्न पर मंथ आपको हो रहा है 11,300। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म राइट साइड में देखिए बेस्ट प्योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप NFDP वेबसाइट में मिल जाएगा। पहला नेम ऑफ एप्लीकेंट SHG इंस्टीट्यूट और कैटेगरी ये आपका पर्सनल डिटेल्स प्रोजेक्ट लोकेशन एड्रेस एंड प्रोजेक्ट डिटेल्स कितना कॉस्ट हो रहा है ये सब पूछ दे रहे एंड सेकेंड थिंग्स कॉस्ट एस्टिमेशन कितना कॉस्ट हो रहा है आपको इनपुट कॉस्ट कितना होगा फिश फिंगरिंग फिश भी लर्निंग ये भी भरना एक्सपेक्टेड आउटपुट मतलब आपको प्रोडक्शन कितना होगा ये भी आपको फिलअप करना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स देना होगा और डिक्लेरेशन ये डिक्लेरेशन है नेम एंड सिग्नेचर करना होगा डिक्लेरेशन में एंड सेकेंड डिक्लेरेशन में है जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फिशरी ऑफिसर आपका जो है वो भी डिक्लेरेशन चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म फ्रॉम NCAH और QCERT और ये आपको NFDP आपको लोन अप्रूव करेगा फाइनली। आप इसीलिए क्या क्या चेकलिस्ट होगा गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड आधार पैन ड्राइविंग लाइसेंस बैंक पासबुक कास्ट सर्टिफिकेट डोमिसियल सर्टिफिकेट लैंड ओनरशिप फोटोग्राफ ऑफ द प्रपोज साइट बैंक कंसेंट लेटर सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ये आपको चाहिए। और ये फॉर्म भरने के बाद आपको कहाँ पर भेजना है फॉर्म के ऊपर लिखिए एप्लीकेशन फॉर बैकयार्ड RAS उसके बाद इसको भेजना है एड्रेस जो होगा टू द डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर एक्वाटिक एनिमल हेल्थ कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी QCERT कोचिन 682016 केरला।